अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू बैक इन अदर ब्लॉग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। गाइज़ अभी हो गया है टाइम 4, नज़र आ रहा होगा। तो सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, तो रूम से लड़कों ने कॉल की, अभी तक हमने भी कुछ नहीं खाया, तो आज कुछ स्पेशल खाते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला फ़िश का, तो फ़िश मैंने कहा फिर बाहर से तो नहीं खाती थी कि बाहर की फ़िश मुझे नहीं पसंद। फिर इनके इधर हेद है मोहरक साइड पर, उधर बाज़ार है फ़िश की, बहुत बड़ी मंडी है, तो वहाँ से फिर फ़िश लेते हैं कच्चा, तो घर में आके फ्राई कर लेंगे। मैंने कहा ये बेस्ट आइडिया है। तो अभी मेरे पास एक डिलीवरी है, ये मैं करके तो उसके बाद मैं जाऊँगा फ़िश के लिए बाज़ार में। अभी पेट्रोल डलवा नहीं, पेट्रोल नहीं है। हाँ कैश जयत डालो, फुल कर दो। ओके अच्छे से फुल करना, पाकिस्तान इंडिया नहीं है ये। तो पेट्रोल बिल्कुल एंड हो गया, देखिए निशान नज़र आ रहे हैं ना, ये पेट्रोल डलवाते हैं, अभी फुल हो जाएगा। तो अभी जाते हैं, फिर डिलीवरी करता हूँ, उसके बाद फिर जाना है, दोस्तों को पिकअप करूँगा, फिर जाऊँगा बाज़ार मछली के। तो आज मैं आप लोग को इस वीडियो में मछली का बाज़ार भी दिखाऊँगा, मैंने भी अभी तक नहीं देखा, उन्होंने देखा, वो बोलते हैं और जाते हैं तो मैं भी दिखाते हैं। तो वहाँ से सस्ती भी मिलती है और फ्रेश मछली मिलती है, क्योंकि 4 बजे उधर बाज़ार ओपन हो जाता है मछली का। तो अभी जाते हैं चेक करते हैं कैसा बाज़ार है, मैं तो फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। तो पेट्रोल के पैसे भी निकाल लें, पेट्रोल और यहाँ पे टैंकी कम से कम भी 7 दिनार की फुल हो जाती है पाकिस्तानी, 4000 रुपये में 50 लीटर पेट्रोल आ जाता है। देखो कितना यहाँ पे सस्ता है पेट्रोल, यहाँ पे कम से कम भी 1 लीटर पेट्रोल है 4 रुपये, 40 रुपये का पता नहीं 50 रुपये का, इधर दिखा रहा नहीं है इन्होंने, नहीं इधर होता है मीटर पे शो नहीं कर रहा, ये तो मैं बता था आपको। बाकी फुल हो गया ऑलमोस्ट, आधा रह गया, तो ये भी हो जाएगा अभी। तो अभी चलते हैं, देखते हैं रास्ते में आप लोग को अच्छी अच्छी जगह भी दिखा दूंगा मैं, और मछली का बाज़ार भी आज आप लोग को मैं दिखाता हूँ। इसमें अभी ये फुल हो गया, इसमें कितने लीटर आया है चेक करें, 7 दिन 8 बंद हो गया, अभी ये ख़ुद किधर चला गया, इसमें 54 लीटर आ गया, मैं इसको पूरा 55 लीटर करूँगा। 55 लीटर आया है 7 दिनार 7 रुपए का, तो ये आजकल पाकिस्तान का रेट है 772, तो हिसाब लगाएं कम से कम ये अराउंड 5000 का आया है पेट्रोल इसमें, फिर भी बहुत फ़ायदा है। ये मिनी बस है, बड़ा हाई एक्स है, तो 5000 का इसमें पेट्रोल आया है। ये कम अज़ कम ये गाड़ी पाकिस्तान में हो तो इसमें 20000 से ऊपर का ये पेट्रोल आता है 54 लीटर, आप भी हिसाब शायद ऊपर आए और भी, तो चेक कर लिए कितनी महंगाई है पाकिस्तान में और इधर कितना है। पूरा कर दो 7 दिनार 7 रुपए। तो इस भाई की 12 घंटे ड्यूटी है, तो छुट्टी भी नहीं है। हाँ बिल भी दो, बिल भी दो यार, तो 12 घंटे ड्यूटी है, कोई छुट्टी नहीं है, 100 इसकी सैलरी है, रूम भी कंपनी के फूड अपना है, इसमें इसको क्या बचेगा, 30-35 हज़ार खाने का डालो तो पीछे इसको 70 दिनार, ये कम से कम इंडिया या बांग्लादेश का होगा, इसका कोई 20-25 हज़ार सैलरी बन। अभी मेरे से स्कैम होने वाला था, ये उसने मुझे 2 दिनार 2 रुपए दिए हैं, मैंने उसको 20 दिनार का नोट दिए हैं, तो उसने मुझे दिए 8 दिनार 2 रुपए, तो मैंने उसको 2 रुपए वैसे ही दिए थे, मैंने कहा तुम ले लो चाय शाय पी लो, तो उसने मुझे 2 दिनार पीछे रह गए, सॉरी वो उसने मुझे दिए, मैंने भी नहीं देखा, मैं इधर आगे आया हूँ, मैंने कहा यार इसको तो मैंने 20 दिनार दिए हैं, तो शुक्र करो मैं ये वीडियो बना रहा था उसमें तो मैंने रिकॉर्ड किया हुआ था 20 BD का, तो फिर उसने मान लिया, कहते हैं हाँ ओके ओके ब्रदर सॉरी, तो मैंने कहा ओके कोई बात नहीं होता रहता है। तो ऐसा काम अगर अरबी के साथ हो जाए, अरबी तो भाई उधर ही शलवार कमीज़ अगले को उतार दे, तो इतनी बेइज्जती करते हैं, तो मैंने ऐसा फ्राड किया ये किया है, चलो खैर वो भी हमारी तरह है, लेबर है बेचारा, तो गर्मी है तो बेचारा थका होगा, इस वजह से उससे हो गया, मिस्टेक होता रहता है इंसान से, इग्नोर कर दिया करो। बाकी अभी तो मेरा एक काम पड़ गया था, मैं लेट हो गया था,
ये यहाँ से सारा मछली पकड़ते हैं, ये समंदर है तो ये यहाँ से पकड़ते हैं, तो फिर इधर बाज़ार है उधर ये ले आते हैं। तो अभी हम जाते हैं और बाज़ार भी दिखाते हैं आपको। गैस ये अभी हम आ गए मछली मार्केट में, सारा मछली मार्केट है वहाँ तक, तो चेक करें हर किस्म की इधर मछली है, तो चेक करें कितना, ये पता नहीं क्या क्या चीज़ है, समझ नहीं आ रही। तो ये सारा बहुत बड़ा बाज़ार है ये एंड तक है। ये कितना किलो यार ये बनाई ना आज, ये उठो ये कौन सी पोजीशन है, कस्टमर वाले मुंह से हम भी तो कस्टमर हैं यार। ये मत बनाओ ये वाला, बड़ा बड़ा पकड़ो, वो बड़ा लो एक अच्छा है, छोटा नहीं है। तो ये सारी देखो ये पता नहीं, ये भी यहाँ पे लोग बनाते खाते, क्योंकि यहाँ पे तो गैर मुस्लिम भी रहते हैं सब रहते हैं, इधर हर किस्म का मिलता है। ये झींगा इसको बोलते हैं यार। अभी क्या डिसाइड किए कौन सा लोगे? हाँ अभी तो इस और वो जो बड़े वाले लो, छोटा मुझे नहीं पसंद, बड़ा बड़ा ये एक बड़ा लो। हाँ ये सही है, वो लास्ट में है ना, वो सही है यार। वो के ये तो इतना बड़ा नहीं ले गए, कौन सा मछली का फिश का क्या नाम है, ड्रॉ नो शार्क हराम है, दूसरा यार एक है ना ट्राउट इनके पास है, बहरीन में इतना मछली है ट्राउट नहीं होगा अभी। बहुत लंबा मार्केट है देखिए, बस ये जानता है 3 किलो 3 बीड़ी मसाले सुन रहा है, इतना महंगा नहीं। अच्छा अच्छा वाला फिश तो अच्छा वाला, ओके ये कितने का है? यार ये बहुत छोटा होगा शेजा, ये अच्छा अच्छा जो हमारे लिए डाल ले वो किसका है, डिस्काउंट नहीं मिलेगा? वो देख कलर वाला भी है। तो ये भी बहुत कितना किलो ये वाला, इनके पास मसाला होगा शेजाद मसाला होगा इनके पास? पाकिस्तान में तो मसाला भी देते हैं। हाँ सही सफाई अच्छा सा करो, वो क्लीन करो, तीन पीस हो के हेड मेड नहीं मानता, एक एक पीस पूरा है, वो तबक है, तबक है क्या बोलते हैं इसको, सेंटर में ऐसा जो सेंटर में, सेंटर में ओके, सेट से काट के 3 पीस करो, सेट ना सेट से काटेगा तो अच्छा है क्या यार, इसको बोलो हेड मत डाले, हेड और वो पूछल फेंके वो नहीं खाए करके, वो फिर आप मन नहीं का वो नहीं, हम खाते तुमने खाने खाओ हम नहीं खाते, चलो हम आगे जाते हैं वीडियो देखने। तो ये सारा बाजार है कितना बड़ा है, शार्क भी इसमें चेक करो कितना ज़बरदस्त है यार, इधर हर किस्म की फिश मिलेगी आपको, ये सब बहुत बड़ा बाजार है। यहाँ पे सफाई हो रही है मछली की सारी, सारा साफ करते हैं इधर, जंगीर इनको बोले वो छोटा छोटा पीस सारा हटा दे, सर नहीं चाहिए इसका, हाँ वो नहीं चाहिए। तो सामने सेल हो रहा है तो इधर सारा कटिंग करते हैं, तो ये सारा कटिंग करेंगे उसके बाद डालेंगे इसको मिडिल में से भी आधा का, हाँ दो सारा समंदर है सही है। तो अभी अंधेरा हो गया, हमने आना जल्दी था, बस एक कस्टमर मुझे ऐसा मिल गया था ना उससे इतना तंग किया, मेरा टाइम सारा ज़ाया हो गया। तो ये सारा समंदर है यहाँ से लेते हैं फ्रेश, यहाँ से लोड करते हैं, बाहर बाज़ारों में सेल करते हैं, जो मनामा में मिलते हैं वो मिलते हैं महंगा और फ्रेश भी नहीं होता, ये बिल्कुल ताज़ा भी है और सस्ता भी है।
और बाकी अभी हम जाते हैं घर की, तो इसको फिर बनाना भी है, तो लेट ऑलरेडी हो गए, टाइम भी होने वाले हैं, और भी पहले मसाले लेने, उसके बाद फिर इसको मसाले लगाने। तो ये दोनों बहुत ज़्यादा आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, पता नहीं क्या मसले हैं, तो ये एक दूसरे को रास्ता बता रहे हैं ट्रैफिक के, ये बहुत। तो अभी हम जाते हैं, मैं तो थक गया था ड्राइविंग कर कर, इसलिए मैंने वो अपने ड्राइवर साथ रखे, उसको रख दिए अभी। हम आए इधर से सरका लेने, और ये मछली मसाला दिखाओ, ये दो डब्बे लिए, ये थोड़ा सा खाने के लिए, चीज़ भूख लग गई है, ये लिए पॉपकॉर्न से लिए। तो अभी सरका लेते हैं, उसके बाद जाते हैं, तो बनाते हैं फिर इसको आज अच्छा सा। मिला उधर होगा दूसरी लाइन में, एक तो उधर सामान हमें जल्दी नहीं मिलता क्योंकि बहुत बड़ा, इधर पता नहीं है किधर किधर पड़ा होता है, तो पता नहीं सिरका कहाँ से मिलेगा, जहांगीर का नहीं मालूम किधर है, चेक कर उसको। ये भी इस लाइन में, भाई लो ना एक जल्दी लो सिरका, रेट छोड़ो, ये सही है, ये पक, ये देखो कंजूसियाँ कर रहा है खाने में यार, लो जंगी टाइम नहीं है, 8 से ऊपर हो गया टाइम, चलो ये ले लेगा, पकड़ो एक सिरका हो खट्टा हो ये। गाइस अभी मैं ब्लॉग को करता हूँ एंड, खाना भी हो गया, फिश लाए थे आज, फिश मार्केट में गए थे, तो जो लोग भी बहरीन में रहते हैं वो लाजम इस हित में जाएं, हित में जो पहला सिग्नल से लेफ़्ट ले के साथ में राइट साइड पे मस्जिद आती है, उसमें बाज़ार है फिश का, उसमें आप लोगों को ताज़ी मछली मिलेगी, तो जो लोग भी बहरीन में रहते हैं लाजम उधर जाके ट्राई करें, और सस्ती भी मिलेगी और फ्रेश भी मिलेगी। तो बस अभी मैं ब्लॉग को करता हूँ एंड, तो लाइक और शेयर लाजम करें, सपोर्ट करते रहें, इसी तरह आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया जितने भी अभी आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है जिसने, तो खुदा हाफिज़, टेक केयर।